नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2022 में एक से बढ़कर एक सिक्सर किंग हमें देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2022 में अब तक कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। हम आपको इस वीडियो में सभी 10 टीमों के बारे में बताएंगे कि किस टीम ने कितने छक्के जड़े हैं, साथ ही कौन सी टीम बन सकती है इस बार नंबर वन टीम। तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी इस साल का कौन सा है जिसने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। आप हमें अपने फेवरेट सिक्स सिंग हिटर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, जानते हैं हम सभी 10 टीमों के बारे में कि आखिरकार कौन सी टीम ने कितने छक्के जड़े हैं अब तक आईपीएल 2022 में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 10 टीम की। तो यहाँ पर नंबर 10 पर फिलहाल मौजूद है दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात टाइटंस ने अब तक सबसे कम छक्के लगाए हैं आईपीएल 2022 में, लेकिन इस टीम ने सबसे ज़्यादा मुकाबले जीते हैं। यानी कि ये तय हो जाता है कि छक्के लगाना ही यहाँ पर T20 क्रिकेट में मैच जीतना नहीं होता है, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने यह साबित कर दिया, क्योंकि अब तक इस टीम की बल्लेबाजों ने सिर्फ 59 छक्के लगाए हैं और अब तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ये टीम प्लेऑफ में भी अपनी जगह पक्की कर चुकी है। वहीं पर दोस्तों नंबर 9 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम मौजूद है। आरसीबी के बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि कई बल्लेबाज इस बार फ्लॉप रहे, लेकिन फिर भी इस टीम ने अब तक 82 छक्के लगाए हैं, यानी कि 82-6 जड़ चुके हैं आरसीबी की टीम और अभी भी अपने आखिरी मुकाबले में फंसी हुई है प्लेऑफ की रेस में। वहीं पर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 8 टीम की, तो यहाँ पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने भी इस बार कमाल का परफॉर्मेंस किया है, कई युवा बल्लेबाजों ने प्रभावित किया है इस बार और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक 87 छक्के जड़ दिए हैं और ये कारवां इनका आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्लेऑफ में इनकी जगह पक्की हो चुकी है, तो ऐसे में अब यह टीम और भी आगे जाने वाली है। वहीं पर दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 7 टीम की, तो नंबर 7 पर फिलहाल मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस भले पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी नंबर पर हो, लेकिन छक्के जड़ने में फिलहाल ये टीम नंबर 7 पर है। मुंबई इंडियंस ने अब तक 88 छक्के जड़ दिए हैं और ये टीम अब सिर्फ एक ही मुकाबला और खेलेगी, जिसमें अगर 12 छक्के लगाते हैं तो इस साल के 100 छक्के पूरे कर लेंगे। हालांकि इस टीम के पास कई दमदार सिक्स सीटर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इस बार इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, फिर भी 88 छक्के लगा दिए हैं। वहीं पर दोस्तों इसके बाद नंबर 6 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भी इस बार कमाल का परफॉर्मेंस किया, हालांकि बीच में इस टीम ने काफ़ी ज़्यादा मुकाबले हारे, जिससे प्लेऑफ की राह तो इनसे थोड़ी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस साल शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अब तक 91 छक्के जड़ दिए हैं और अभी भी ये कारवा आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि एक और मुकाबला इस टीम के पास बचा हुआ है। वहीं पर दोस्तों नंबर 5 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल के पास भी कई दमदार सिक्स हीटर खिलाड़ी मौजूद हैं, खासकर कि रोमन पावेल, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और मिचेल मार्च जैसे खिलाड़ी, लेकिन अब तक इस टीम ने 97 छक्के जड़ चुके हैं और अभी भी एक मैच और बचा हुआ है, और अगर प्लेऑफ में पहुंचती है तो इस टीम के पास और भी ज़्यादा छक्के जड़ने के मौके रहेंगे। फिलहाल दिल्ली कैपिटल के 97 छक्के हैं। जबकि दोस्तों नंबर 4 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हालांकि हर मुकाबले में बड़ा स्कोर नहीं बनाया हो, लेकिन 4 बार 200 के पार ये टीम पहुँची है और छक्के जड़ने में भी 4th नंबर पर पहुँच चुकी है। अब तक 13 मुकाबलों में 98 छक्के जड़ चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स और 2 छक्के और जड़ते ही इस साल 100 छक्के पूरे कर लेंगे अपने आखिरी मुकाबले में, अगर 2 छक्के लगाती है ये टीम तो। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। केकेआर ने अब तक आईपीएल 2022 के 13 मुकाबलों में 100 छक्के जड़ दिए हैं और इस साल 100 छक्के जड़ने वाली ये तीसरी टीम है और आगे अभी भी एक मुकाबला और बचा हुआ है, जिसमें ये कमाल कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। पंजाब के पास इस बार कई दमदार खिलाड़ी थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा छक्के जड़े हैं और सबसे लंबा छक्का इस टीम की तरफ से ही लगाया है शानदार परफॉर्मेंस करते हुए लियाम लिविंगस्टोन ने, लेकिन अब तक इस टीम ने 101 छक्के जड़ दिए हैं आईपीएल 2022 में और अभी भी एक मुकाबला और बचा हुआ है इस टीम के पास, जिसमें ये कमाल कर सकते हैं। वैसे अगर प्लेऑफ में पहुंचते हैं तो फिर और भी आगे जा सकता है ये कारवां। लेकिन दोस्तों नंबर 1 टीम की हम बात करें जिसने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, तो वो हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कुल 112 छक्के लगाए हैं और आईपीएल 2022 का सिक्सर किंग टीम भी राजस्थान रॉयल्स ही है, जबकि सबसे ज़्यादा छक्के भी इसी टीम के बल्लेबाज जोस बटलर ने लगाए हैं, जिन्होंने अब तक 37 छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम
इस बार आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ सकती है राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी टीम आ सकती है। हमें अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।